पीछे हल्का सा भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो भाई, आप लोग पीछे हो जाओ, मेरा नाम सौरभ किशोर है, मैं प्रदेश संगठन मंत्री और लखनऊ जोन इंचार्ज। और आज का जो हमारा 5 सूत्रीय डिमांड है, मांगे हैं, उसमें यह है कि सबसे पहली पूर्णता मांग ये है कि जातिगत जनगणना, उसके आधार पर 15% EBC यानी कि अति पिछड़ी जातियां जैसे निषाद, मल्ला, केवट और आपका मौर्य समाज और इस प्रकार की जो और जातियाँ हैं हमारी, उनकी गणना करने के बाद 15% 27% के अतिरिक्त आरक्षण की हमारी मांग है। और उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट को, ST ST OBC को ठेकेदारी में रिजर्वेशन की व्यवस्था करना जो पहले हो चुकी है उसको बहाली का, और और 5% उसको बढ़ाना, इस प्रकार की हमारी 5 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के आज ज्ञापन दिया। और भी मैं आपकी बात सुन रहा था कि आपने कहा था कि राजभर जी ने भी इस प्रकार की डिमांड करी थी, आप ये बताइए राजभर जी या उनके संगठन या उनके पार्टी के लोग कितने बार ज़मीन पर उतरे? एक होता है केवल मौखिक बोलना राजनीति चमकाने के लिए, एक होता है सही में उस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नेता ने बोला और संगठन के लोग ज़मीन पर आ गए। आज पूरे 75 जनपदों में हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो मंशा इससे क्लियर होती है कि कौन व्यक्ति सही में काम करना चाहता है। घर बैठ के केवल मौखिक रूप से बयान जारी करना, अपनी राजनीति चमकाना और ज़मीन पर संघर्ष करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही फ़र्क माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों की पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी में और बाकी बहुजन समाज के नेताओं में है। वो जो कहते हैं पूर्ण रूप से उसको लागू कराने के लिए ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, और हम लोग उनके क्रांतिकारी साथी उनकी अनुयायी में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी 27 जनवरी को भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था, आज 13 तारीख है, फिर दे रहे हैं और फिर से प्रशासन को बता रहे हैं कि लगातार हम लोग इस प्रकार के धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते रहेंगे और लगातार आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य और क्या मांगे हैं आप? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम है अजय कुमार आनंद, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी लखनऊ से। और सबसे पहली बात ये मैं बता दूं आपको कि जो आज का जो ज्ञापन दिया जाएगा, जो प्रदर्शन आज का है, वो 5 सूत्री मांगों को लेकर जो है ज्ञापन दिया जाना है राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से। पहला है जातीय जनगणना, दूसरा है जो ओबीसी आरक्षण जो ख़त्म किया जा रहा है उसके लिए है, और उस आरक्षण को हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस देश में बहुजन समाज में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है ओबीसी की है, पिछड़े वर्ग की है, लेकिन उसको जो है 27% आरक्षण दिया गया है, जबकि वो 27% पूर्ण रूप से अभी भी लागू नहीं है आरक्षण वो। और अभी बीच में जो है, जब 2019 में अभी जब 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया था, इंदिरा केस साहनी में बता दूं आपको, मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूं आपको, इंदिरा केस साहनी ने फाइनल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल किया था 50% आरक्षण को लेके, लेकिन उसके बाद जो 2019 में जो है आरक्षण को 10% जो बढ़ाया गया, अपर कास्ट को दिया गया, हम उसके सपक्ष में ये कहना चाहते हैं कि अब जो है ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग हम कर रहे हैं कि जो 27% था उसमें 15% जो है आरक्षण बढ़ाया जाए जोड़ के, और 22.5% जो ST ST का जो आरक्षण था उसको जो है 5% इसमें जोड़ा जाए, और जो भूमिहीन किसान हैं उनको जो है कब्जा दिलाया जाए, अविलंब कब्जा दे सरकार उनको, और सरकारी ठेकेदारी में ST ST जो सरकारी ठेकेदारी है उसको जो है बहाल किया जाए, क्योंकि जो है ख़त्म कर दिया गया था उसको जो है आरक्षण दिया जाए। फिर भी अगर आप ये जो मांग कर रहे हैं, जैसे कि मांग कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम मेरा यही रहेगा कि हम लोग जो आंदोलन करते रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे उसके लिए कि सरकार ने जो 10% आरक्षण बढ़ाया है किस लिए बढ़ाया है? क्या हमारी 52% आबादी है इस देश के अंदर, क्या हमारा आरक्षण नहीं बनता है? क्या मेरा हक नहीं बनता है क्या? इस देश में सरकार जो बनाने का काम करती है, बहुजन समाज के लोग सरकार बनाने का काम करते हैं, अब बीजेपी सरकार जो बैठी हुई है ये सरकार की जो है बहुजन समाज के ही लोग हैं सरकार बनाने वाले। सर अभी जैसे कुछ दिन पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की थी, फिर भी उनसे राजी नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है? देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है वो दूसरी पार्टी के नेता, मैं उनके विषय में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो अपने वो व्यक्तिगत उनके विचार हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन मेरी पार्टी का जो दिशा निर्देश है वो पार्टी दिशा निर्देश यही है कि हम जो है ओबीसी के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ओबीसी 27% था अभी तक,
उसको भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि उसको 15% और बढ़ा के उसको जो है 42% लागू किया जाए, और ताकि 52% जो आबादी है देश के अंदर OBC की, उसको पूर्ण रूप से उसको जो है लागू करके उसकी शिक्षा और सामाजिक जो स्तर है उसको उसको बढ़ाया जाए। तो अभी स्वामित्व साथ जो विवादित बयान है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो जो विवादित बयान है, वो जो गलत पंक्तियां हैं उसको लेकर उन्होंने विवाद उन्होंने कहा था कि इसको हटाया जाए, बाकी उन्होंने पूरे रामचरितमानस पे कोई विवाद नहीं खड़ा किया, पूरे रामचरितमानस जो है हटाया जाए। उन्होंने जो पंक्तियां थी उसको हटाने की उन्होंने मांग की थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कि यहाँ हम पूरे यानी कि स्वामी प्रसाद ने जो कहा उनकी बातों का आप समर्थन करते हैं? नहीं, गलत पंक्तियां हैं जो हमारे बहुजन समाज के खिलाफ हैं, उनको तो हम विरोध करेंगे ही। जो गलत पंक्तियां हैं उसका विरोध मैं करूंगा।